हेलो फ्रेंड्स, कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि जो बॉटम आउट स्टॉक ढूंढते हैं जो कि काफ़ी गिरा हुआ है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। वैसा ही एक स्टॉक है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी जो है ये आप जानते हैं केबल नेटवर्किंग का काम करती है, जैसे डिश टीवी होता है, टाटा स्काई होता है, वीडियोकॉन डिश है, वैसे उस टाइप का ही इनका काम है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। आपने काफ़ी होटल्स में देखा होगा जो टीवी के ऊपर लगा होता है, नीचे जो सेट टॉप बॉक्स होता है वो डेन का होता है। तो ये डेन कंपनी का ज़्यादा मार्केट शेयर है जो होटल्स में होते हैं, वहाँ पे इनके सेट टॉप बॉक्स लगे होते हैं, डिश टीवी लगे होते हैं। दोस्तों, कंपनी फंडामेंटल बहुत साउंड है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसका लास्ट सेशन का क्लोजिंग था 40 रुपीज़ 20 पैसा, 52 वीक हाई था 72 रुपीज़। अगर आप सोचेंगे कि इतना गिरा हुआ शेयर है तो फंडामेंटल्स कैसे होंगे, तो दोस्तों फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, आइए आपको बताता हूँ। इसका पीई है 10 का जो कि बहुत ही कम है, ईपीएस है 3.84 का जो कि बहुत ही अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशो 0 है, कंपनी पे एक पैसे का डेट नहीं है। तो आप बताइए फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। उसके ऊपर भी प्रोमोटर्स के पास है 75%, प्रोमोटर ने अपना एक भी स्टेक बेचा नहीं है कंपनी में, स्ट्रांग 75% बना के रखा है, तो ये पॉजिटिव बात निकल कर आती है। एफआईआई का होल्डिंग है 0.76%, तो वो ठीक ठाक है। डीआई का कोई होल्डिंग नहीं है, एफआईआई का इसमें होल्डिंग है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 37 करोड़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 41 करोड़, एंड सितंबर 2021 में वो हो गया 39 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी भी शानदार प्रॉफिट दे रही है, कभी लॉस मेकिंग नहीं है, ईपीएस अच्छा है। और ये अपने उछले अभी देखिए 37 रुपीज़ तक गई थी बॉटम में, वहाँ से मार्केट रिकवर होकर 40 रुपीज़ तक आई है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, पर फिर से अभी मार्केट गिरने लग गया तो नीचे आ गया। तो दोस्तों, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सभी स्टॉक जो है कभी ना कभी भागते हैं, तो ये बहुत बॉटम आउट हुआ हुआ स्टॉक है। ये यहाँ से 40 रुपीज़ से 60 रुपीज़ भी गया तो आपको 50 रुपीज़ का 50% का सीधा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो लोग एक होल्ड कर सकते हैं 2-4-6 महीने के लिए, उनके हिसाब से स्टॉक है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, क्योंकि इसमें गिरावट की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। 37 रुपीज़ का बॉटम आउट है इसका, 52 वीक लो 37 का है और अभी हमें मिल रहा है 40 में, और ये 37 टच करके ऊपर ही जा रहा था, तो हो सकता है कि ज़्यादा इसमें गिरावट ना हो। और अगर बढ़ना शुरू हुआ तो देखिए दोस्तों 72 रुपीज़ तक गया तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो जो लोग रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो इसको सोच सकते हैं, पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत जगह दे सकते हैं, 100-200 शेयर्स लेके भूल जा सकते हैं। डेन नेटवर्क्स फंडामेंटली साउंड कंपनी है, बट गिरावट में मिल रही है, आप इसको कंसिडर कीजिए और खुद स्टडी करके डिसीजन लीजिए। थैंक यू।